हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटी वर्सेस जेएके का 7th T20 मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें जाए तो ये कल रात को 7:30 को मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करें पहले, कल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी कैंडी में श्रीलंका में खेला जाएगा। मैं आपको हेड टू हेड टीम फॉर्म और हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। आप 100% ग्रैंड टीम में भी मनी इजीली से अर्न करेंगे और स्मॉल टीम में भी मनी इजीली से अर्न करेंगे। पहले हेड टू हेड के बारे में बात कीजिए। टोटल अब तक जीटी वर्सेस जे का टोटल 9 मैचेस खेले, उसमें जीटी ने 3 बार जीते और जेके ने 6 बार जीते। मैं आपको हेड टू हेड भी एक्सप्लेन कर दिया। अब टीम फॉर्म के बारे में बात करें तो टीम फॉर्म में देखा जाए जीटी ने लास्ट 5 मैचेस में 1 विन किया और 1 ड्रा हुआ, 3 लॉसेस हो गए। और जेके के बारे में बात करें, जेके ने लास्ट 5 मैचेस में 1 ही लॉस और 4 को 4 विन हो गए। और पिच के बारे में बात करते हैं, पिच बैलेंस है, पिच है, एवरेज स्कोर के बारे में बात करते हैं, 150 से 160 के बीच में स्कोर बनेगा। और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। इस पिच में टोटल 60 विकेट्स मिले, सो फास्ट बॉलर्स को 45 विकेट्स और स्पिनर्स को 15 विकेट्स मिले। मैं आपको टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया। इस पिच का T20 का रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो इस पिच में T20 मैचेस टोटल 23 मैचेस खेले, सो फर्स्ट बैटिंग करने टीम 12 टाइम जीते, सेकंड बैटिंग करने टीम 8 टाइम जीते। इस पिच में हाई स्कोर के बारे में बात करते हैं, इंग्लैंड ने मारे थे 263 रन इस श्रीलंका के खिलाफ। और लोएस्ट स्कोर के बारे में बात करें, 88 में ऑल आउट हो गए थे न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको इस पिच का T20 का रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। आप 100% ग्रैलिटी में भी मनी इजीली सेंड करेंगे। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक, टीम सिफर्ट को और गुबराज को। ये दोनों विकेट कीपर कमाल का विकेट कीपर, बैट्समैन साहब ये दोनों विकेट कीपर को 100% पिक लेना। ये दोनों विकेट कीपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन। टीम सिफर तो अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आप टीम सिफर को 100% पिक करें, बहुत डेंजरस फॉर्म है अभी टीम सिफर। सिफर ने लास्ट मैच 74, दूसरे मैच 14, तीसरे मैच 30, चौथे मैच 11 और पांचवें मैच 4 रन मारे। टीम सिफर एक इंपॉर्टेंट है विकेट कीपर बैट्समैन। गुरुराज के बारे में बात की तो गुरुराज भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन। गुरुराज ने लास्ट मैच 14, दूसरे मैच 21, तीसरे मैच 61 और लास्ट चौथे मैच 44 और पांचवें मैच 27 रन मारे। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया, दोनों विकेट कीपर लास्ट 5 मैचेस में कमाल का बैटिंग किया। अब ये दोनों विकेट कीपर को 100% पिक लिया, दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। अब ये दोनों विकेट कीपर को 100% पिक लिया, मैंने दोनों विकेट कीपर का स्टैट्स भी बता दिया। अब बैट्समैन में देखें, मैं 3 बैट्समैन को पिक किया, डेविड मिलर, वनका राजपक्सा को और सी अश्रीलंका को। मैंने पूरा मेरे 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन कमाल के बैट्समैन। डेविड मिलर के बारे में बात की तो डेविड मिलर भले ही लास्ट 5 मैच फ्लॉप है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, गेम चेंजर है। डेविड मिलर को 100% पिक करना। आप डेविड मिलर को ग्रैंड टीम में भी कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। अगर ये खेलते हैं तो कमाल का बैटिंग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, बड़े बड़े छक्के मारते हैं। मिलर ने लास्ट मैच 14, दूसरे मैच 17, तीसरे मैच 16, चौथे मैच 10 और पांचवें मैच 8 रन। भले लास्ट 5 मैच फ्लॉप है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कमाल का बैटिंग करते हैं, एक बेस्ट फिनिशर है। आप डेविड मिलर को 100% पिक करना। और बनका राजपक्सा के बारे में बात करते हैं, बनका राजपक्सा ने लास्ट 4, दूसरे मैच 48, तीसरे 25, चौथे मैच 20, पांचवें मैच डकआउट हो गए थे। और अश्रीलंका के बारे में बात करें, अश्रीलंका ने लास्ट मैच 56, दूसरे मैच 12, तीसरे मैच 36, चौथे और पांचवें मैच उनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन कमाल का बैट्समैन है, तीनों बैट्समैन को 100% पिक लेना। मैंने तीनों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब ऑलराउंडर्स को बताने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तब टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल सो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट्स बनाए, इस दोनों अकाउंट को भूल से भी ज्वाइन मत करना। आप कोई फेक टीम देकर फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1403 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे, जिसमें आपको 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। आप 100% ग्रैंड टीम में मनी इजीली सेंड करेंगे, स्मॉल टीम में भी मनी इजीली सेंड करेंगे। मैं आपको 3-3 ऐप प्रोवाइड करूंगा, सब 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। पहला वाला विजन लवर, आप विजन लवर 100% मनी इजीली सेंड करेंगे, कमाल कैप है विजन लवर। विजय लवर आपको डेली 1-2 फ्री एंट्री मिलेंगे, आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। आप 100% विजय लवर मनी इजीली सेंड करेंगे, कमाल कैफे विजय लवर। और दूसरा वाला है माई मास्टर लवर, आप माई मास्टर लवर में मनी का साथ साथ ऑफर्स भी जीतेंगे क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। माई मास्टर लवर आपको डेली 1-2 फ्री एंट्री भी मिलेंगे, आप मनी का साथ साथ ऑफर्स भी जीतेंगे, कमाल कैफ है माई मास्टर लवर। और तीसरा वाला कुबेरा,
कुबारा में अगर आप डी यू ओ का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली सेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना है, मैं आपको एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। अगर कुबारा में डी यू ओ का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। मैंने तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड करा, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड करा, तुरंत लिंक से तीनों आपको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने तीनों ऐप का लिंक टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आप 100% तीनों ऐप में मनी इजीली से सेंड करेंगे। आप ऑलराउंडर्स में देखकर मैं तीन ऑलराउंडर्स को पीके सुखी विलासन, धनंजय दिशंका और पेरारा को, ये तीनों ऑलराउंडर्स कमाल का ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लें। हसन के बारे में बात करें, सुखी विलासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर को आप ग्रैंड टीम और स्मॉल टीम में कप्तान विस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। लास्ट में 30 रन प्लस 2 विकेट, दूसरे में 23 रन प्लस 1 विकेट और तीसरे में 28 रन प्लस 1 विकेट, चौथे में 12 रन प्लस 0 विकेट और पांचवें में 36 रन प्लस 1 विकेट लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर को आप 100% पिक कर। सनंका के बारे में धनंजय दिशंका ने लास्ट में 9 रन, दूसरे मैच 42 रन प्लस 3 विकेट, चौथे मैच में तीसरे मैच में 10 रन प्लस 0 विकेट और चौथे मैच 10 रन 7 रन प्लस 0 विकेट, पांचवें मैच 10 रन प्लस 0 विकेट। मैंने ऑलराउंडर्स में तीन ऑलराउंडर को पिक, तीन ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर। पेरारा ने लास्ट में 6 रन, दूसरे मैच 14 रन प्लस 1 विकेट, तीसरे मैच 12 रन और चौथे पांचवें मैच उनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था। मैंने ऑलराउंडर्स में तीन ऑलराउंडर्स को पिक किया, तीनों ऑलराउंडर का स्टैट्स भी बता दो, ये तीनों ऑलराउंडर्स कमाल का ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लेना। अब बॉलर्स में देखा जाए, मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया, तिक्सकना को, सेमसी को और अकेले धनुजाई को, ये तीनों बॉलर्स कमाल का बॉलर्स है, तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर लेना। ये तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है, फिर स्पिन बॉलिंग के लिए भी अच्छे सपोर्ट करेंगे। अब इस तीनों स्पिनर को 100% पिक कर लेना। तिक्सकना लास्ट में सोनी, दूसरे मैच सोनी, तीसरे मैच 4 और चौथे मैच 4 और पांचवें मैच 4 विकेट लिए। लास्ट दो मैच फ्लॉप है, लेकिन तीसरे चौथे मैच कमाल का बॉलिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है, इनको आप 100% पिक कर लें। और इस सीजन में आईपीएल में भी कमाल का बॉलिंग किया है। और सेमसी के बारे में बात करें, लास्ट में 2 विकेट, दूसरे में 0, तीसरे में 1, चौथे मैच में 3 और पांचवें मैच में 0 विकेट, कमाल का लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर, इनको आप 100% पिक कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। और अकेले धनुजय के बारे में बात करें, धनुजय भी एक लेग स्पिनर है, धनुजय को 100% पिक कर लें। धनुजय ने लास्ट में 1 विकेट, दूसरे मैच 8 विकेट, तीसरे मैच 9 विकेट, चौथे मैच 7 विकेट, पांचवें मैच 0 विकेट। धनुजय को लास्ट पांचवें मैच में 3 मैचेस टेस्ट मैचेस खेले, तीनों मैच में कमाल का बॉलिंग किया था टेस्ट मैच में, और T20 में भी कमाल का बॉलिंग किया था। अकेले धोनी के भी 100% पिक ले, कमाल का T20 स्पेशलिस्ट बॉलर, इनको आप 100% पिक ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया। कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करी तो मैंने कप्तान में बनाया सिकोविल हसन को और वाइस कप्तान में धनंजय दिशंका को। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर, बैट्समैन में 3 बैट्समैन, ऑलराउंडर्स में 3 ऑलराउंडर, बॉलर्स में मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया। अगर कोई प्लेयर मिस होता तो मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर करूंगा, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।